ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश के सीधी जिला से है और खबर सीधी के राजनीति से जुड़ी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और एक मद्देनजर बीजेपी अलर्ट मोड में आ चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के द्वारा संगठन के जिला अध्यक्ष में बड़ा फेरबदल कीन गा है। डिंडोरी आगर मालवा के साथ साथ सीधी के जिला अध्यक्ष बदले गए हैं, जिसके बाद सीधी के सियासी गलियारन में चर्चा के बाजार शुरू हो चुका है। देवेंद्र क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सबजन का प्रणाम कही थे, शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि सीधी के राजनीति में बड़ी उथल फुथल देखे का मिली है। सीधी के भाजपा के जिलाध्यक्ष जो है बदल दिन जा चुके हैं। बता दें कि हाल ही में 3 नए जिलाध्यक्ष के प्रदेश संगठन प्रभारी के द्वारा घोषणा कीन गए है। जोने में सीधी जिला के नाम घलाए शामिल है। सीधी जिला के जिला अध्यक्ष भाजपा इंद्र शरण सिंह चौहान रहे, जे अब सीधी जिला में भाजपा संगठन में फेरबदल कई दिन गा। देव कुमार सिंह का नया जिला अध्यक्ष बनावा गा है। जिला अध्यक्ष नया बनाए देगा और एक बात बता दें कि सीधी के राजनीति में खलबली मची है। भाजपा के पदाधिकारी अब ये मामले में ज्यादा कुछ बोले से बचत देखा अतला हम। यह खबर हालांकि सुन के सब हतप्रभ हैं और हैरान हैं। अब बता दें कि पार्टी के द्वारा देव कुमार सिंह का जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है अब दीन जा चुकी है। सीधी के साथ साथ डिंडोरी और आगर मालवा जिला के जिलाध्यक्ष खिलाए बदल गए हैं। वह बता दें कि डिंडोरी में अवधराज विलैया का जिलाध्यक्ष घोषित कीन गा भाई और आगर मालवा में चिंतामणि राठौर का भाजपा के जिलाध्यक्ष के कमान दे दिन गए। तो सजग रहिए, सतर्क रहिए, रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।